हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पार्ट के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में, तो आइए इसकी बात करते हैं। देखिए, हमें इसमें करना क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है बाई इलिमिनेशन मैथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मैथड से। तो यहाँ पर हम केवल बात करेंगे इलिमिनेशन मैथड की, बिकॉज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल सॉल्व करेंगे बाय इलिमिनेशन मेथड से। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया इस थर्ड पार्ट में, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि वेरिएबल को एक तरफ राइट कर लिया है और बाकी सबको अलग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वेरिएबल को एक तरफ किया है और बाकी सबको अलग कर दिया है। तो ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई और ये हमारी क्वेश्चन सेकंड है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे इलिमिनेशन मेथड। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो इलिमिनेशन होता है उसका जो मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना और हटाना। तो किसको हटाना है, अब इसको देखिए, हमें आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें भी दो वेरिएबल है और जो इक्वेशन सेकंड है इसमें भी दो वेरिएबल है। कौन कौन से, एक्स और वाई, और फर्स्ट में भी एक्स और वाई। तो हमें इसमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। अब आप पहले कंफर्म कर लीजिए आपको किस वेरिएबल को रिमूव करना है। सपोज अगर आपको x को रिमूव करना है तो जो x का जो कोफिशियंट होगा दोनों इक्वेशन में वो सेम होना चाहिए। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन सेकंड है इसमें जो x का जो कोफिशियंट है वो 9 है और जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें जो x का जो कोफिशियंट है वो 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें जो x का कोफिशियंट है उसे 9 करना होगा, क्योंकि ये मस्ट है कि दोनों x के जो कोफिशियंट है वो सेम होने चाहिए। तो यहां पर सेम नहीं है तो इनको पहले हम सेम करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9x हो जाएगा और दोनों x के जो कोफिशियंट है वो सेम हो जाएंगे। तो देखिए, हमें किसे इलिमिनेट करना है, हम यहां पर इलिमिनेट कर रहे हैं x को। तो यहां पर हम लोग क्या राइट करेंगे, इलिमिनेटिंग, आप किसी को भी कर सकते हैं, चाहे तो x को करें या फिर y को करें। तो यहां पर हम लिखेंगे इलिमिनेटिंग x, मैं यहां पर x कर रहा हूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 9x हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। और हम लोग इधर साइड भी करेंगे क्योंकि बोथ साइड करना जरूरी है, नहीं तो जो हमारी इक्वेशन है वो अनबैलेंस रहेगी। तो मैंने बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 इंटू 3x करेंगे तो 9x हो जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 15y इक्वल टू 12। अब इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड का। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब ये जो हमारी इक्वेशन थर्ड हुई है इसमें जो x का जो कोफिशियंट है ये 9 है और जो हमारी इक्वेशन सेकंड है इसमें जो x का कोफिशियंट है वो 9 है, मतलब दोनों इक्वेशन के जो x के जो कोफिशियंट है वो सेम हो चुके हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, अब इनको हम इलिमिनेट करेंगे, इनको हम लोग इलिमिनेट करते हैं। तो यहां पर मैं राइट कर लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। अब मैंने यहां पर माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, मैं बताता हूं आपको भी, अब बताता हूं, रुकिए। देखिए, हमारी इक्वेशन थर्ड क्या है, वो है 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, हमारी इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब यहां पर मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि जो दोनों 9x हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट में जो 9x है और जो इक्वेशन सेकंड में जो 9x है, ये दोनों प्लस के, मतलब जो x के जो कोफिशियंट है वो दोनों प्लस के हैं। तो अगर दोनों के साइन अगर सेम होंगे, मतलब अगर जब भी आपको जिस वेरिएबल को आपको रिमूव करना है उनके जो कोफिशियंट है, जो उनके साइन होंगे अगर सेम होंगे, तो वहां पर हम लोग माइनस करेंगे। अगर इनके जो साइन, अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता, या फिर ये प्लस होता और ये माइनस होता, तो मैं यहां पर प्लस करता। अगर साइन अपोजिट हो तो प्लस करेंगे, अगर साइन सेम हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं यहां साइन सेम थे तो मैं यहां पर माइनस कर दिया। तो मैंने जब माइनस कर दिया तो ये जो प्लस का था ये माइनस में हो गया और ये जो माइनस में था ये प्लस में हो गया।
और ये प्लस का था, ये भी माइनस में हो गया, मतलब साइन इनके चेंज हो जाएंगे, तो अब ये इलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए अब ये माइनस का हो चुका है 9x और ये प्लस का 9x है, तो ये इलिमिनेट हो जाएगा, तो जो हमारा x था वो इलिमिनेट हो गया है, और ये प्लस का 2y हो चुका है और ये माइनस का है। जब इसे हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस का 13y, साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस का 15 बड़ा है तो साइन लगेगा माइनस का। इसके बाद देखिए ये माइनस का 7 है और ये प्लस का क्या है 12 है, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5, हमें यहां पर 5 मिल चुका है, साइन लगेगा प्लस का क्योंकि 12 बड़ा है, 12 प्लस का है तो साइन प्लस का लगेगा। इसके बाद जो ये 13 है माइनस का, जो 13 है वो y के साथ मल्टीप्लाई में जब ये राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 by -13। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी नीचे माइनस नहीं लगता, कभी भी नीचे माइनस नहीं लगता, तो यहां पर माइनस ना लगाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 into -1 हमें क्या मिल जाएगा, 5 into -1 हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 13 into -1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 13 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप 5 by -13 करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 5 by 13। अब ये जो हमें y की वैल्यू मिली है इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो आइए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हमें क्या पुट करना है, पुट y इक्वल टू 5 - 5/13 हमें यहां पर पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, y की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस का 5 by 13, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5, y की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस का 5 by 13 इक्वल टू 4। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 into -5 क्या हो जाएगा, प्लस का 25, तो माइनस का 5 into -5 हमें मिल जाएगा प्लस का 25 by 13 इक्वल टू 4। इसके बाद 25 by 13 को हम राइट साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 - 25 by 13, इधर आया तो माइनस का हो गया। इसके बाद देखिए यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, देखिए 3x इक्वल टू 4 मतलब यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो जब हम लोग 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 ही मिल जाएगा, तो हमें 13 मिलेगा। अब देखिए अब आप 1 की टेबल आप इतने बार पढ़िए, अब देखिए 1 की टेबल हम कितने बार पढ़ें कि हमें 13 मिल जाए, तो हम लोग कितने पढ़ेंगे, 13 बार पढ़ेंगे, तो उसी 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब उसी 13 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मैंने क्या किया, 1 की टेबल इतनी बार पढ़ी कि 13 डिवाइड हो जाए, उसी 13 से हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहें तो सीधा सीधा 13 से 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये माइनस का 25, अब देखिए ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 52 में से 25 करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा, डिवाइड बाय 13। इसके बाद ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 27, 13 हो गया। इसके बाद देखिए ये जो 3 था इधर साइड आएगा राइट हैंड साइड, तो ये डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद ये 3 1 3 3 9 27, ये 9 times 27 कैंसिल हो गया। इसके बाद हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 9 by 13, तो हमें यहां पर x की क्या वैल्यू मिल गई, 9 by 13, हमें y की वैल्यू मिल गई और x की भी वैल्यू। बात करते हैं इस फोर्थ पार्ट की, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, जो हमारा ये फोर्थ पार्ट है ये फ्रैक्शन में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसकी बात करते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। इसके बाद 2 की टेबल आप इतने टाइम्स पढ़िए कि ये 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसी 3 से आप x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x मिल जाएगा। इसके बाद ये प्लस, वही काम यहां पर भी करना है, 3 की टेबल आप इतने टाइम्स पढ़िए कि ये 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए,
तो अगर हम लोग टू टाइम्स पढ़ेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसी टू से आप टू वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर वाई, ये फोर वाई है इक्वल टू माइनस का वन, और ये जो सिक्स है लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में है, जब इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का फोर वाई इक्वल टू माइनस का वन इंटू सिक्स। इसके बाद ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का फोर वाई माइनस वन इंटू सिक्स, क्या होगा माइनस का सिक्स। तो इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट का। अब वही काम यहां पर भी करेंगे, सेम वर्क यहां पर भी करना है, यहां पर कुछ नहीं है मतलब वन है, तो हम लोग क्या करेंगे वन और थ्री का एलसीएम लेंगे। जब हम लोग वन और थ्री का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा। इसके बाद आप वन की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, थ्री टाइम्स, उसी थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, और इसके बाद थ्री की टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे, वन टाइम, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसी वन से आप माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का वाई इक्वल टू थ्री। अब ये लेफ्ट हैंड साइड थ्री डिवाइड में है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस का वाई इक्वल टू थ्री इंटू थ्री, यहां पर हो जाएगा थ्री एक्स माइनस का वाई इक्वल टू नाइन। इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी क्या है, बहुत बच्चे समझ गए होंगे, खुशखबरी ये है कि जो इक्वेशन फर्स्ट में जो x का जो कोफिशियंट है वो भी थ्री है, और इक्वेशन सेकंड में जो x का जो कोफिशियंट है वो भी थ्री है, मतलब दोनों के x के कोफिशियंट सेम है, इक्वल है, तो हमें इनको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे x को, पहले से ही x के जो कोफिशियंट है वो इक्वल है, तो यहां पर क्या करेंगे, इलिमिनेटिंग x, हम यहां पर x को इलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहां पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, मैंने हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस का फोर वाई इक्वल टू माइनस का सिक्स, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड है हमारी थ्री एक्स माइनस का वाई इक्वल टू नाइन। अब मैंने यहां पर माइनस क्यों किया, मैंने बताया ना अभी आपको पहले फर्स्ट पार्ट में, माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर ये दोनों प्लस के हैं, दोनों जो एक्स के जो कोफिशियंट हैं वो प्लस के हैं, मतलब इनके जो साइन है वो सेम होंगे। तो मैंने क्या कहा, जब भी अगर साइन सेम हो, मतलब ये प्लस का, ये भी प्लस का 3x है और ये भी प्लस का 3x है, तो जब भी साइन सेम होते हैं तो माइनस करते हैं, अगर साइन डिफरेंट हो, अगर मतलब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। साइन डिफरेंट तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, अगर साइन सेम हो तो माइनस करते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, ये जो प्लस का 3x है ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का y है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 9 है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 3x हो चुका है और ये प्लस का 3x है, दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर मेरा x जो है वो इलिमिनेट हो गया है, और ये प्लस का y हो चुका है और ये भी प्लस का 4y है, तो प्लस 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 हो जाता है और ये 5y हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का 9 है और ये माइनस का 9 हो चुका है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 6, माइनस का 9 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, बट साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस होगा बट साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस का 15 हो चुका है। और ये जो 5 है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो जब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग थ्री टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, y की हमें यहां पर वैल्यू मिल गई है माइनस का 3। अब ये जो हमें यहां y की वैल्यू मिली है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग x में पुट कर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें यहां पर x की वैल्यू मिल जाएगी। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, y की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, ये हो जाएगा 3x, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
प्लस का 4 इंटू माइनस का 3 क्या होगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 6। अब इस माइनस के 12 को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 6 प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस में था राइट साइड गया तो प्लस का हो गया, इसके बाद ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये माइनस का 6 है ये प्लस का 12 है, तो हमें क्या मिल जाएगा 6, वो भी प्लस का, क्योंकि यहां पर जो 12 है वो प्लस का है और यहां पर साइन लगेगा प्लस का, जो डिजिट बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा x इक्वल टू जो ये 3 है x के साथ मल्टीप्लाई में था, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और हमें x की क्या वैल्यू मिल जाएगी 2, x की वैल्यू हमें 2 मिल गई और y की वैल्यू में क्या मिल गई माइनस का 3। तो आई होप आपको ये थर्ड और फोर्थ पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये थर्ड और फोर्थ पार्ट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।